हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कुछ जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पहाड़ियों और उनके स्थानों पर विचार करें। एक तरफ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, उसके ठीक समकक्ष संबंधित स्थान का नाम दिया गया है जहां पर वह पहाड़ी है। आपको बताना है ये सही रूप से सुमेलित है या फिर नहीं है। सबसे पहले सेवरोय की पहाड़ियां, ये बताता है पूर्वी घाट में है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेवरोय की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है ये पूर्वी घाट में ही है। दूसरा कहता है बाबा बुटगिरी की पहाड़ियाँ, ये बताता है बालाघाट रेंज। तो फ्रेंड्स, बाबा बुटगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो बालाघाट रेंज में नहीं हैं, वो पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं और वो कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि बालाघाट रेंज जो है वो महाराष्ट्र में है। आप मैप के माध्यम से देखेंगे, जिसे हम अभी आपके सामने लेकर आएंगे, निश्चित रूप से आप इसे देखकर समझ जाएंगे। तीसरा कहता है इलायची पहाड़ियाँ, ये बताता है पश्चिमी घाट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इलायची की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में दक्षिण पूर्वी केरला और पश्चिमी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन में सही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप मैप के माध्यम से देखें। सबसे पहले हम बात करें सेवरोय की पहाड़ी का, तो ये तमिलनाडु में है, आप इसे देख सकते हैं। उसके आगे पीछे जो भी पहाड़ियाँ हैं उसे हम जो PDF उपलब्ध कराएंगे उसके माध्यम से आप देखकर याद करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से यदि हम बात करें इलायची की पहाड़ी की, तो ये बिल्कुल सीमा बनाता हुआ केरल और तमिलनाडु के बीच, इसे भी आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें बाबा बुधगिरी की पहाड़ी का, तो ये यहाँ पर स्थित है, इसे भी आप देख सकते हैं। पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न UPSC के द्वारा और साथ ही स्टेट PCS में पूछा जाता है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है टिग्रिस नदी तुर्की और इराक से होकर बहती है। फ्रेंड्स, ये जानकारी बिल्कुल सही है। टिग्रिस नदी का उद्गम तुर्की से होता है, उसके बाद वो इराक से होती हुई फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है मेकोंग नदी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। ऐसा नहीं है, मेकोंग नदी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सा में चीन के यूनान प्रांत से उद्गमित होती है। आप कह सकते हैं कि ये तिब्बत के पठार से शुरू होती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है, लेकिन ये कभी भी अपने गमन के दौरान भारत के किसी भी हिस्से में प्रवेश नहीं करती है। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है, ये गलत है। इसमें आपको सही पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें टिग्रिस नदी का, तो आप ये देख सकते हैं ये वो नदी है जो तुर्की से निर्मित होती है, उद्गमित होती है, उसके बाद में इराक में आती है, इराक के बाद वो फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक अन्य बात टिग्रिस नदी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इराक की राजधानी बगदाद इसी नदी के किनारे स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें मेकोंग नदी का, तो ये हमारा प्यारा भारत और उसमें अरुणाचल प्रदेश, इसके उत्तरी हिस्से में चीन के यूनान प्रांत से ये शुरू होता है, उसके बाद ये चीन, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और अंततः वियतनाम होता हुआ साउथ चाइना सी में जाकर गिर जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है भारत का सबसे लंबा नदी पुल लोहित नदी पर धोला सदिया पुल है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे लंबा जो नदीय पुल का निर्माण किया गया है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर निर्मित किया गया है और उसका नाम धोला सदिया नदीय पुल भी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पहली जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है लोहित नदी गंगा की
सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी अभी बताया कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। चूंकि आपको गलत जानकारी की पहचान करनी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मैप के माध्यम से आप इसे देखने की कोशिश करें। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश और नीचे वाला जो हिस्सा है वो असम का है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये लोहित नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये जो पुल है वो दो राज्यों के बीच भी सीमा बनाने का कार्य करती है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे चौथे प्रश्न का, तो क्या कहता है, कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर चार राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड और मणिपुर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व भी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप मैप के माध्यम से यदि देखें तो ये कमलंग है, उसके ठीक नीचे में नामदफा टाइगर रिजर्व या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी जानकारियां हैं, हमने अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में इसे डिस्कशन किया है, आप उन्हें देखकर अपने आपकी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हर वीडियो को आप देखने की कोशिश करें। जो भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं उसे याद रखने की भी कोशिश करें। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? यहाँ पर पांच राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। नेशनल वाटरवे वन इनमें से किस राज्य से होकर गुजरता है? पहला कहता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ये शुरू होता है, उसके बाद वो बिहार में जाता है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ यहाँ नहीं है। आप चौथे को हटा देंगे तो आप बी और डी को हटा देंगे, और चूंकि पांचवा है इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसी से संबंधित कुछ अन्य वाटरवेज को भी आप देख लें। जो पहला वाटरवे है यानी कि पहला जलमार्ग है, जलमार्ग संख्या एक है, वो हल्दिया से अलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के बीच में है, अब अलाहाबाद नहीं रहा, तो यहाँ इसका निर्माण किया गया है, ये आप जानेंगे। तो प्रयागराज से लेकर अब ये कहाँ के बीच हो गया है, हल्दिया के बीच। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से शुरू होती है, उसके बाद ये बिहार जाती है, बिहार के बाद झारखंड के साहिबगंज से होकर गुजरती हुई ये हल्दिया में यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। सबसे लंबा यही है, इसे भी आप याद रखेंगे, 1620 किलोमीटर लंबा ये नेशनल वाटरवे है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे व्यस्तम यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाटरवे है, तो आप याद रखेंगे वाटरवे 4, ये सबसे व्यस्ततम है। इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमीटर है। ये कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन सब से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे कैनल का भी निर्माण किया गया है, गोदावरी और कृष्णा नदी पर भी इसे निर्मित किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब कौन सा ऐसा वाटरवे है जिसमें नदी भी है और नहरों का भी निर्माण किया गया है, तब भी आप याद रखेंगे ये नेशनल वाटरवे 1 है। उसी प्रकार से एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो गिनी जाती है वो नेशनल वाटरवे 3 है, जो कोल्लम से लेकर कोट्टीपुरम के बीच में है, ये 205 किलोमीटर के बीच है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारत में कुल 6 हैं, एक जो छठा निर्मित किया जा रहा है, अब तो 7वां भी निर्मित किया जा रहा है, वो ओडिशा और झारखंड के बीच में इसे निर्मित करने की कोशिश की जा रही है। तो जो अभी तक निर्मित है उसमें से छठा बराकर नदी में निर्मित किया जा रहा था, लगभग लगभग ये पूरा हो चुका है अभी कुछ समय पहले, मतलब साल 2019 में। ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में एक और प्रस्तावित की गई थी, वो प्राइवेट निर्मित होने वाली थी। यदि इससे संबंधित कुछ जानकारियां आती हैं तो निश्चित रूप से हम इसे आपके पास लेकर आएंगे, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।